कर्नाटकमध्ये आज कारवाई करण्यात आलेली आहे आणि याचे पडसाद आज थेट राज्यसभेमध्ये देखील उमटलेले आहेत. काँग्रेसचे आमदार, काँग्रेसचे मंत्री आहेत कर्नाटकातले, डी के शिवकुमार यांच्यावर इन्कम टॅक्स विभागाने छापे घातलेत. शिवकुमार यांच्या घरी, ऑफिस तसंच रिसॉर्टमध्ये 39 मालमत्तांवर छापे घातल्याने काँग्रेसला मोठा धक्का बसलेला आहे. विशेष म्हणजे कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचं सरकार आहे आणि राज्यसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गुजरातमधील 42 आमदार फुटू नयेत म्हणून त्यांना कर्नाटकातील इगल्टन गोल्फ रिसॉर्टमध्ये ठेवण्यात आलेलं आहे. हे रिसॉर्ट देखील शिवकुमार यांच्याच मालकीचं आहे. या रिसॉर्टवर देखील इन्कम टॅक्सने छापे टाकलेले आहेत. दरम्यान कर्नाटकमधील मंत्री डी के शिवकुमार यांच्यावर भाजपने सूडबुद्धीने कारवाई केलेली आहे असा आरोप काँग्रेसच्या सदस्यांनी आज राज्यसभेत केला आहे. गुलाम नबी आझाद यांनी या प्रकरणी सरकारला धारेवर धरलेलं आहे आणि याच मंत्र्यांच्या रिसॉर्टवरती गुजरातमधले काँग्रेसचे आमदार सध्या मुक्कामी आहेत. इलेक्शन चाहे वो विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए एंड विदाउट फियर होने चाहिए, बगैर डर के. लेकिन इस राज्यसभा में जो अभी हो रहा है, यहाँ तीनों चीज़ें लागू नहीं हो रही हैं. फ्री भी नहीं हो रहे, फेयर भी नहीं हो रहे और डर और भय का माहौल जो पहले एक स्टेट में था, अब वो वेस्ट से साउथ पहुंच गया. वेस्ट में हमारे एमएलएज, उनका अपहरण हो रहा था, किडनैपिंग की कोशिश की गई, सारे तरीके इस्तेमाल हुए. और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक रीजन से दूसरे रीजन में वेस्ट से साउथ लिए गए और ये भय और खौफ और ये डर और अनफेयर प्रैक्टिसेस उनका पीछा वहां तक कर रहे हैं. इसका सीधा संबंध इंद्रेड का, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, लीडर ऑफ द हाउस ने, कि एक व्यक्ति पर कर रहे हैं. ये व्यक्ति पे आप एक महीने बाद कर सकते थे, एक महीने पहले भी कर सकते थे. ये आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां उनका खाना देने या पूछने चले गया है कि पार्टी से संबंध रखते हैं, तो आपने उसमें शक किया कि शायद पैसे बांट रहे हैं. पैसे बांटने का आरोप आपकी पार्टी पर है, हमारी पार्टी पर कोई आरोप बांट नहीं. वो तो आप बांट रहे हैं. जो आपकी पार्टी के लोग पैसे बांट रहे हैं उन पर रेड करो. ये जो 15-15 करोड़ लोग 15 करोड़ ऑफर कर रहे हैं उन पर रेड, उनके घर पे रेड करो, न कि उनके घर. सर, ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए एंड विदाउट फेयर होने चाहिए. ये इंश्योर करना पड़ेगा इस सदन को और इलेक्शन कमीशन को. ये इलेक्शन के दौरान, जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो रहा है, 3 दिन इलेक्शन को रहे और डराने के लिए, धमकाने के लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेट गवर्नमेंट की तमाम एजेंसियां इस्तेमाल की. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसियां इस्तेमाल कर रहे हैं. ये देश में क्या हो रहा? ये लोकतंत्र के खिलाफ? ये कैसा लोकतंत्र है?